एक्स बराबर 1/3, वाई बराबर 6/7 दिया हुआ है, तो इसका मान कहता है निकालने के, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, सोल्यूशन लिख देंगे। तो जिसका मान बोलेगा ना निकालने के लिए, तो वो सबसे पहले उतारेंगे, ठीक है। इसको मैं ऐसे करके उतार दूंगा बराबर, या आप यह भी दे सकते हैं, ये बराबर है, ये बराबर है, और ये या है, ठीक है, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पे। x है तो x का मान तो दिया हुआ है ना वैल्यू 1/3, तो 1/3 दोनों के बीच में कुछ नहीं है तो गुना, प्रीवियस वीडियो सब में बताया हुआ हूँ। y का मान 6/7 माइनस, तो माइनस y है तो y के जगह पर क्या रखेंगे 6/7, फिर ये बट्टा ये बट्टा, फिर x के जगह पर 1/3 तो 1/3, क्लियर। अच्छा बराबर 1/3, अब फिर यहां पे गुना भी कर सकते हो आप, देखो। तो सबसे पहले बोर्ड मास अप्लाई करेंगे, बोर्ड मास में क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट, उसके बाद ऑफ यानी कि का यानी कि गुना, फिर डिवाइड। तो सबसे पहले डिवाइड क्या करते हैं, डिवाइड। अब हालांकि इसका प्रोसेसिंग आप यहां पे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, एक मैं क्या करूंगा अभी इसको ऐसा ही करके उतार दूंगा, क्यों, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं है, 6 को 1 से करेंगे तो 6 7 21 कर सकते हैं, लेकिन आप रूल के अकॉर्डिंग चलोगे ना, तो पहले डिवाइड क्या कहता है, तो पहले डिवाइड यहाँ पे है। अब सर यहाँ पे कैसे डिवाइड है, देखिए ये डिवाइड है ना, ये डिवाइड है, ठीक है, फिर माइनस, तो 6/7 6/7, और ये डिवाइड है, तो इसको आप ऐसे करके डिवाइड दे दीजिए, 1/3 उतार दीजिए, ठीक है, ऐसे करके रहेगा ना, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, ठीक है, फिर ऐसे रहेगा, अब ऐसे लिख सकते हो, ये डिवाइड है, क्लियर। तो एक ही बात हुआ, आप ऐसे लिखो एक ही बात है, ठीक है, याद कोई दिक्कत। अच्छा तो डिवाइड क्या करेंगे, तो 1/3 इंटू 6/7 माइनस 6/7, डिवाइड है तो इंटू हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा और ये नीचे आएगा, क्लियर। अच्छा अब यहाँ पे स्पेस नहीं है, यहाँ पे बनाते हैं, फिर यहाँ पर काट भी सकते हैं, 3 1 जा 3 या 3 2 जा 6, तो 1 × 2, तो 2 को गुना करेंगे 1 से तो 2 आएगा, 2/7 को गुना करेंगे 1 से तो 7 आएगा, क्लियर। माइनस है तो माइनस, फिर 6 को आप कटेगा नहीं कटेगा, तो 6 को 3 से करेंगे तो 18, फिर 7 को 1 से करेंगे तो 7, क्लियर। अच्छा फिर 7 7 का एलसीएम करेंगे तो 7, 7 को कितना पढ़ेंगे 7 आएगा, एक बार उस 1 को 2 से करेंगे तो आएगा, मैंने 7 को कितना पढ़ेंगे 7 आएगा, एक बार उसे 1 को 18 से गुना करेंगे तो 18 आएगा, फिर यहाँ पे 7 प्लस छुपा हुआ है, ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस 18 में से दो गया तो 16, दोनों में से बड़ा कौन है 18, 18 का चिन्ह माइनस तो माइनस हो गया।